स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबरों की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले डालिए नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। गुरुवार रात आई आंधी तूफान से अब तक 26 लोगों की मौत, 57 से ज्यादा लोग जख्मी। आंधी का खतरा अभी टला नहीं, अगले 2 से 3 दिनों तक फिर आ सकती है तेज आंधी। गर्मी का कहर जारी, हीट स्ट्रोक की बढ़ सकती है शिकायतें, ज्यादा पानी पीकर घर से निकलने की सलाह। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है, 2 से 3 आतंकियों को घेरा, सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के द्वारा आतंकियों को नस्ते नाबूद करने का सिलसिला जारी है, जहां देर रात पुलवामा में शुरू हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। इन 4 आतंकियों में जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 एसपीओ भी शामिल हैं, जो गुरुवार शाम सर्विस राइफल को लेकर फरार हो गए थे। ये आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे, और जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर किया है, इनमें से 2 एसपीओ भी शामिल है। ये एसपीओ हथियार के साथ फरार हुए थे और करीब 18 घंटे बाद ये ऑपरेशन खत्म हुआ। हालांकि अभी भी इलाके में इंटरनेट की सुविधा बंद की गई है, साथ ही सुरक्षा को बढ़ाया गया है। और इस बीच बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश की बता दें, जहां 25 आईपीएस अफसरों के किए गए हैं तबादले। यूपी में 25 आईपीएस अफसरों का तबादला, 12 जिलों के कप्तान बदले गए। रविंद्र गौड़, अमित पाठक, जोगेंद्र कुमार, शलभ माथुर, आशीष तिवारी, इन सभी के तबादले किए गए हैं। आपको बता दें कि रविंद्र गौड़ डीआईजी एसआईटी लखनऊ बने हैं, वहीं अमित पाठक एसएसपी मुरादाबाद बने। इसके साथ ही जोगेंद्र कुमार एसएसपी आगरा बनाए गए हैं। आपको बता दें शलभ माथुर एसएसपी मथुरा बने। आशीष तिवारी एसएसपी अयोध्या बनाए गए हैं। विपिन मिश्रा एसपी जौनपुर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि 12 जिलों के, इसके साथ ही 12 जिलों के कप्तान भी बदले गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में 25 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए, इसके साथ ही 12 जिलों के कप्तान बदले गए। और इस खबर पर हमसे बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अंजनी निगम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी जी, बड़े स्तर पर ये तबादला हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए नंदिनी जी, ये इतने सीनियर आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है, वास्तव में चुनाव के बाद होना ही था। प्रशासन ने तय कर रखा था, सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी ने तय कर रखा था कि जिलों में फेरबदल करके व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त किया जाए, ये उसके नाते ही किए गए। संभावना तो ये भी है कि अभी कुछ और बड़े तबादले होंगे, इसके अलावा आईएएस अफसरों के भी तबादले प्रस्तावित हैं। जी बिल्कुल। और इसके नाते वो ये चाहते हैं कि प्रशासन को चुस्त दुरुस्त कर दिया जाए, जो ढीले अधिकारी दिखाई पड़ रहे हैं उनको दूसरे कामों में लगा दिया जाएगा, और जो तेज तर्रार अधिकारी हैं जो रिजल्ट दे सकें सरकार को, ऐसे अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं खामियां यानी कि पाई जा रही थी, जिनको दुरुस्त करने की जरूरत महसूस की जा रही थी, जिसके चलते ये फेर बदल किए गए। उम्मीद क्या कुछ की जा रही है, कितना पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो सामने आएगा? नहीं, निश्चित रूप से इसका रिजल्ट तो अच्छा आएगा, ये समीक्षा करने के बाद ही इस तरीके के तबादले किए जा रहे हैं। तो ऊपर से योगी आदित्यनाथ भी चाहते हैं, उन्होंने अभी एक जो बैठक की थी, बैठक में भी उन्होंने यही कहा कि नहीं भाई, अब सबको रिजल्ट देना पड़ेगा, बिना रिजल्ट दिए काम नहीं चलेगा जी। और मुझे लगता है उसी के तहत जी बिल्कुल, उसी के तहत ये जिस तरह से फैसला लिया गया है, करीब कितना समय अभी ये तबादलों का जो समय है, जो फेर बदल का समय है, कितने समय तक रह सकता है?
क्योंकि अभी कुछ और आईएएस अफसरों के तबादले पर काबिली समीक्षा की जा रही है, जिन जिलों के जिलाधिकारियों ने ढीला डवाली कर रखी या कुछ शिकायतें आ रही क्योंकि जिलाधिकारी बदले जाएंगे, कुछ उसके बाद उसके नीचे के एजेंसी वगैरह जो पीछे सीनियर पीछे से वो भी बदले जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि यूपी में 25 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है, इसके साथ ही 12 जिलों के कप्तान भी बदले गए। आपको बता दें रविंद्र गौड़ डीआईजी एसआईटी लखनऊ बनाए गए हैं, वहीं अमित पाठक एसएसपी मुरादाबाद बने हैं, जोगेंद्र कुमार एसएसपी आगरा बने हैं। इसके साथ ही शलभ माथुर एसएसपी मथुरा बने। आपको बता दें कि आशीष तिवारी एसएसपी अयोध्या बने हैं। इस तरह से करीब 25 आईपीएस अफसरों और 12 जिलों के कप्तान बदले गए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। इधर कानपुर के केस्को में प्रबंध निदेशक को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा बिजली की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया गया। मंडल के प्रदेश महामंत्री ज्ञानेश मिश्र ने बताया कि जर्जर तार और ट्रांसफार्मर बिजली कटौती का मुख्य कारण बन रहे हैं और जल्द से जल्द इन्हें बदला जाए और महानगर में मीटर रीडिंग की व्यवस्था को और भी पारदर्शी किया जाए। कानपुर में खास करके एक फाल्ट लगातार पूरे शहर में जर्जर तार, जर्जर ट्रांसफार्मर, इन सब को लेकर लगातार फाल्ट हो जाता है। कई क्षेत्रों में तो रात रात में बिजली चली जाती है। बाबूपुरवा क्षेत्र है, परसों रात में, नरसों रात में, कल चलो आंधी चली थी, कल तो हो सकता है कि नेचुरल कोई अच्छी चीज़ होती है, तो लगातार फाल्ट हो रहे हैं। जर्जर तार और जर्जर ट्रांसफार्मर इसके बहुत बड़े कारण हैं। केस्को की तरफ से कोई घोषित कटौती नहीं हो रही है, लेकिन ये जो तार और खराब ट्रांसफार्मर, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर, ये कानपुर में बिजली कटौती का मुख्य कारण बन रहे हैं। तो इसी को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया, कई सुझाव दिए कि जर्जर तार और ट्रांसफार्मर बदले जाए। और इधर कानपुर के मरियमपुर चौराहे खालसा दल द्वारा गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत को याद किया गया। इस पावन पर्व के अवसर पर उन्होंने लस्सी वितरण का कार्यक्रम किया और खालसा दल के प्रधान मोहनजीत सिंह गंभीर ने बताया कि लस्सी पीने के साथ लोग अर्जन देव जी महाराज की शहादत को भी याद रखें। अर्जन देव जी सिखों के पांचवें गुरु थे। के द्वारा सिखों के पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिनके लिए कहा जाता है जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ नहीं आयो, उनकी शहादत को याद करते हुए खालसा दल द्वारा हर साल की तरह मरियमपुर चौराहे पर लस्सी, जिसको सिखों द्वारा छबील भी कहा जाता है, लस्सी वितरण का आम जनमानस के लिए विवरण कराया गया है। और हम लोग चाहते हैं जहां लोग ठंडी लस्सी पी रहे हैं गर्मी के इस मौसम में, उसी तरह सिखों द्वारा, सिखों के गुरुओं द्वारा दी गई शहादत को आम जनमानस सदैव याद रखे, जिन्होंने इंसानियत के लिए, जुल्म के लिए अपनी शहादतें दी। सर, ये कार्यक्रम कितने सालों से चलता चला आ रहा है और सुबह क्या बजे चल रहा है? देखिए, इसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन कार्य है कि कब से चला आ रहा है। खालसा दल द्वारा तो ये 2-3 सालों से लग रहा है, लेकिन सिख समुदाय द्वारा ये एक लंबे अरसे से पूरे वर्ल्ड वाइड, कनाडा में, इंग्लैंड में, इंडिया में और तमाम शहरों में, राज्यों में, प्रांतों में, हर जगह लगाया जाता है। और इसी बीच बड़ी खबर फरखाबाद से। फतेहपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां टायर फटने से अनियंत्रित पिकअप पलटी और एक आम व्यापारी की मौके पर ही हुई मौत। फतेहपुर से बड़ी खबर, टायर के फटने से अनियंत्रित होकर पिकअप पलटी। इस हादसे में एक आम व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो आम व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बक्केबर थाना क्षेत्र के शुक्राबाद के निकट की ये घटना। और इस खबर पर हमें अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमरदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर, क्या कुछ है ये मामला? मामला ये है कि फतेहपुर जिले के बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक हाईवे पर गांव पड़ता है शकूरा, और बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है मंझले गांव, जहां पर ये तीन व्यापारी मंझले गांव से कच्चे आम को तोड़वा करके ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के मौदहा ले जा रहे थे, पर रात आज 2 बजे के लगभग ये शकूरा बाग के पास पिकअप अनियंत्रित हो गई और अनियंत्रित होने के बाद वो पलट गई जा करके।
जिसमें ये तीनों जो व्यापारी सवार थे इनमें से एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जाकर के, और ये मृतक जो है ये बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंजरी गांव का ही रहने वाला था जी। और मामला दो लोग जो घायल हुए हैं उनको जो है पुलिस ने जो है और ग्रामीणों की मदद से उनको सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, यहाँ पर इलाज हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए इस खबर पर। ये खबर आपको फतेहपुर से बता रहे हैं जहाँ टायर के फटने से एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक आम व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो आम व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बकेवर थाना क्षेत्र के शकुराबाद के निकट की घटना। और इधर फरखाबाद के फतेहगढ़ का नगला दीना मोहल्ला, यूं तो यहां पर कई घर हैं लेकिन एक घर काफी खास है। ये घर है वीरेंद्र शर्मा का, जिनके 12 साल के बेटे की आंखों की रोशनी जा चुकी है लेकिन वो सद्भावना की एक ऐसी रोशनी बिखेर रहे हैं जिसमें ईश्वर और अल्लाह एक ही दिखाई देते हैं। दरअसल टैक्सी ड्राइवर वीरेंद्र का बेटा सिद्धार्थ उर्फ दानिश के नाम से जाना जाता है। उसकी सुबह ईश्वर और अल्लाह की उपासना से होती है। उसके कमरे में भगवान की मूर्तियां हैं तो पाक मक्का मदीना की भी तस्वीर है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ 3 महीने का था तब वो बीमार पड़ गया था और डॉक्टर से इलाज कराने के दौरान ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। जहां दिल्ली में एक गुरुद्वारे में इलाज कराया गया तभी सिद्धार्थ अजान के दौरान सभी क्रियाएं करने लगा। इससे उनके माता पिता को तो आश्चर्य हुआ ही, साथ ही कुछ धर्म के ठेकेदारों ने उसके मुस्लिम होने की बात छिपाने का आरोप लगाते हुए उल्टा सीधा भी कहा लेकिन कागजात देखकर वो लोग भी चुप्पी साध गए। और इधर भीषण गर्मी के चलते अचानक मौसम में आए बदलाव के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंधी तूफान ने भारी कहर बरपाया है। अलग अलग जिलों में अब तक 19 लोगों की मौत हो गई है और सबसे ज्यादा कासगंज और एटा में आंधी का भारी कहर देखने को मिला जहां 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। एटा उप जिलाधिकारी नंदलाल ने कहा कि राज्य सरकार के नियमानुसार मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं फरखाबाद में दीवार के गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। कन्नौज में भी सरकारी विद्यालय का गेट बाइक सवार पर गिरने से एक की मौत और एक घायल हो गया। देर शाम ही तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी थी जिसके बाद आए भारी आंधी और तूफान ने कई जिलों में भारी कहर बरपाया। साथ ही सीएम योगी ने आंधी तूफान से प्रभावित जिलों के डीएम को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि प्रभावित जिलों का मुआयना कर लोगों को तत्काल सहायता दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मदद के इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट ग्रैंड गीत होटल द मॉल कानपुर। हंसराज मॉडर्न स्कूल मेक्स लर्निंग जॉयफुल एंड फन फिल्ड थ्रू एक्टिविटीज लाइक साइंस पार्क, लर्न बाय लाइव कॉन्सेप्ट्स, चेस क्लब, लर्न टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी,
Astronomy Club, Journey Beyond Stars. At Hansraj, education is managed by IITians and professionals who've been through the rigors of competition and can ensure smart careers. Hansraj Modern School, Shivpuri Road, Jhansi. कुछ भी करें आपकी परेशानी का होगा हल, बड़ा से बड़ा अपराध करें हम उठाएंगे आपकी आवाज और उन्हें सजा न दी जाए। देखते रहिए पब्लिक फोरम सिर्फ जेएमडी न्यूज पर डॉक्टर रमेश वर्मा के साथ। मनोरंजन ही मनोरंजन मात्र 176 रुपए में। जी हाँ, टेन नेटवर्क्स लाया है अपने उपभोक्ताओं के लिए एक नया प्लान जिसमें आपको मिलेंगे 136 चैनल, वो भी मात्र 176 रुपए प्रति माह में। उसमें आप देख सकेंगे 100 फ्री टू एयर चैनल्स और 36 पे चैनल्स जैसे आज तक, जूम, सीएनबीसी आवाज, मूवीज ओके, सोनी मिक्स, स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट, स्टार उत्सव मूवीज, जी सलाम और भी बहुत से पे चैनल्स। देर किस बात की, आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज, आम जन की आवाज। आपका स्वागत है और इसी बीच बड़ी खबर हमीरपुर से। हमीरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 10 साल की बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी। परिजनों का आरोप, रेप कर बेटी को फेंका शमशान के पास। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक मौके पर, कुरारा थाना क्षेत्र के शिवानी गांव का मामला। हमीरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक 10 साल की बच्ची का शव मिलने से फैली सनसनी। परिजनों का आरोप, रेप कर बेटी को फेंका शमशान के पास। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। कुरारा थाना क्षेत्र के शिवानी गांव का यह मामला, जहां 10 साल की बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आतिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आतिश, क्या कुछ है ये मामला? देखिए, हम आपको बताएंगे, ये मामला हमीरपुर जिले के कुरारा थाने के नैनी गांव का है। तो जहाँ पे एक नाबालिग की युवती, की 10 साल की युवती है, अपने पास के घर के पड़ोसी बगल में सो रही थी और रात में कुछ जो दरिंदे आए उनको उठाने के लिए गए। और सबसे बड़ी बात बताए, उस युवती के साथ जो गांव वालों को कहना है कि उसके साथ रेप किया गया, फिर उसके बाद हत्या कर दी गई। और परिजनों में खासा आक्रोश दिखाई दे रहा है। मौके पर पुलिस मौजूद है, करीब 5 सालों की फोर्स मौजूद है और कप्तान साहब, रेसा साहब यहाँ मौके मौजूद है। जी जी, इस मामले में अभी तक किसी तरह की गिरफ्तारी या दबिश की प्रक्रिया शुरू हुई? देखिए, पुलिस का रवैया जो है, तो वो सिर्फ आश्वासन में रहे, आश्वासन में कि पहले पंचनामा किया जाए, पोस्टमार्टम किया जाए, इसके बाद कहीं ना कहीं जो दोषी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं अगर परिवार वालों से साफ उतना कहना है कि अगर जिसके ऊपर नाम दर्ज अगर FIR दे रहे हैं तो कहते हैं उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए हमें इस खबर पर। ये बड़ी खबर आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां एक 10 साल की बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि परिजनों ने बेटी का रेप कर शमशान के पास फेंकने का आरोप लगाया है। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे। कुरारा थाना क्षेत्र के शिवानी गांव का यह मामला।
बढ़ती अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त दिव्यांगता के बावजूद अपनी गायकी से देश विदेश में धूम मचाने वाली श्रुति और कोरे 8 जून को शाम 6 बजे लाजपत भवन में कार्यक्रम का आयोजन करेंगी और एक शाम श्रुति गोरे के नाम इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर बीट बॉक्सिंग के साथ हास्य जगत के अन्नु अवस्थी भी अपनी प्रस्तुति देंगे। एक शाम श्रुति गोरे के नाम जिसमें काफ़ी परफॉर्मेंस आ रहे हैं। अनु अवस्थी जी हैं उसमें और मुंबई से भी हैं, गॉड ग्रिप हैं, बैंड वाले भी हैं। कहाँ पे कार्यक्रम होगा आपका? शाम को है लाजपत भवन शाम को 6 बजे। अच्छा, मुख्य अतिथि कौन आ रहे हैं? सतीश महाराज जी। अच्छा, इस कार्यक्रम के माध्यम से किस तरह का मैसेज समाज में देना चाहती हैं? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो लोग हमारे छोटे बच्चे हैं वो अब तक मेरे ख्याल से आगे नहीं आए, वो यही सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, तो उनके लिए मेरा सबसे मेन थॉट यही है कि आप अपनी लाइफ को हार ना मानिए। कि अगर जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमारा साथ दिया तो उनके पेरेंट्स ने उनका साथ दें ताकि वो भी अपना टैलेंट जो है वो घर में ना समेट के रखें, दुनिया को दिखाएं और देश विदेश में अपना नाम और फैमिली का नाम। अच्छा, कल इस कॉन्फ्रेंस बेसिकली श्रुति गोरे के शो के लिए है जो कि कल है। देश विदेश में तो ये बहुत शोज कर चुके हैं, बट कानपुर में पहले इनका एक इंडिविजुअल शो हो रहा है राजपथ भवन में कल शाम 6 बजे, जहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट सतीश अंकल रहेंगे, जिन्होंने इस इवेंट में बहुत ज़्यादा सहयोग दिया हमारा। साथ में परफॉर्मर्स में वी हैव गौरदीप जो कि दिल हिंदुस्तानी फेम है, समीर मैजिशियन आ रहे हैं जो गिनीज रिकॉर्ड होल्डर हैं, अनु अवस्थी जी होंगे, प्रोफेशनल बैंड है हमारा, और बेसिकली शाम रंगीन होने वाली है। मैं यही चाहूँगी कि आप सब लोग पहुँचे, उसको एंजॉय करें। विकी सर वगैरह सब ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया, करण भैया ने बहुत हेल्प करी है। और इसी बीच बड़ी खबर फरखाबाद से, आपको बता दें जहां जिला अस्पताल में हड़ताल जारी है। फरखाबाद से बड़ी खबर, जिला अस्पताल में हड़ताल जारी, चिकित्सक और शिक्षक के बीच मारपीट का मामला। चौथे दिन भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी, नहीं खुली ओपीडी, भीषण गर्मी में मरीजों का हाल बेहाल। एस्मा लागू होने के बाद भी चल रही लगातार हड़ताल, टीएम समेत जिले के आला अधिकारियों के पास नहीं है कोई जवाब। आपको बता दें जिला अस्पताल लोहिया का ये मामला, जहां जिला अस्पताल में लगातार हड़ताल जारी है। शिक्षक और चिकित्सक के बीच मारपीट का इस मामले में चौथे दिन भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी। चौथे दिन भी लगातार जारी है डॉक्टरों की हड़ताल, जिसके चलते नहीं खुली ओपीडी, भीषण गर्मी में मरीजों का बुरा हाल। आपको बता दें कि एस्मा लागू होने के बाद भी लगातार चल रही है हड़ताल, डीएम समेत जिले के आला अधिकारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। जिला अस्पताल लोहिया का ये मामला, जहां शिक्षक और चिकित्सक के बीच मारपीट के चलते जिला अस्पताल में हड़ताल जारी। बड़ी खबर फरखाबाद से, जिला अस्पताल में हड़ताल जारी, चिकित्सक और शिक्षक के बीच मारपीट का मामला। चौथे दिन भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी, ओपीडी नहीं खुली, भीषण गर्मी में मरीजों का बुरा हाल। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट करेंगे इस खबर पर आप हमें? देखो तनिया, राम मनोहर लोहिया वाले में जो है अभी तक जो हड़ताल बराबर चालू है, और इसके बाद जो है मरीजों को बहुत दूर दूर मरीज आए, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने को मजबूर हो रहे हैं। लोहिया की स्थिति बड़ा स्थिति दयनीय चल रही है। जी जी बिल्कुल, जैसे कि एस्मा लागू है उसके बाद भी हड़ताल चल रही है, क्या कुछ अधिकारी इस बारे में कुछ बोल रहे हैं? अभी तक कोई बयान उनका सामने आया? देखिए, जिला प्रशासन के कोई भी अधिकारी जो है ना ही बाइट देने के मूड में है ना ही कुछ बताने के मूड में है। सबसे बड़ी बात जो है दोनों पक्ष जो है, इधर डॉक्टर पक्ष, इधर माध्यमिक शिक्षा संघ के जो नेता है वो भी फरखाबाद आ चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और सबसे बड़ी बात है अभी जिला प्रशासन इस चीज का भी हल नहीं निकाल पाया। जी जी बिल्कुल, दोनों ही पक्ष बिल्कुल अड़े हुए हैं। ऐसे में मरीजों से आपकी क्या कुछ बातचीत हुई, किस तरह की प्रतिक्रियाएं, परेशानी उन्होंने साझा की आपसे?
देखिए सबसे बड़ी राम मनोहर लोहिया में अभी तक जो ओपीडी पूरी पूर्ण रूप से हड़ताल चल रही है। सबसे बड़ी बात कोई भी डॉक्टर काम नहीं कर रहा है। इधर सबसे बड़ी बात जो है जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो जो है डॉक्टर चांदी काट रहे हैं, वहाँ पे अच्छे खासे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए इस खबर पर। हमें ये बड़ी खबर आपको फरखाबाद से बता रहे हैं जहाँ राम मनोहर लोहिया के अस्पताल का ये मामला है। चिकित्सक और शिक्षक के बीच मारपीट के चलते डॉक्टरों की चौथे दिन भी हड़ताल जारी है। आपको बता दें ओपीडी नहीं खुली है, भीषण गर्मी में मरीजों का बुरा हाल है। एस्मा लागू होने के बाद भी हड़ताल चल रही है। डीएम समेत जिले के आला अधिकारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जीएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। We'll be right back.